जुल्म किया है, जो भी किया है उसको वापस नहीं किया है, उसी वक़्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। ये मसला जो है ये मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकता था। ये आज तक मुज़ाकरात हुआ है, लेकिन कल हमें इत्तला मिली कि वो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अभी हमारा मुतालबा है कि इसने जो रिलीविंग और ट्रांसफ़र किया है हमारा इबका ब्रादरी की, वो वापस ले लिया। अगर वापस नहीं लिए ले लिया तो नेक्स्ट वीक में हम सेक्रेटरी तालीम के दफ्तर के सामने पेशावर में आते जाते। सर साहब, ये वजह क्या है नाकामी की? क्यों नाकाम हुआ है मुज़ाकरा? किसने लचक का मुज़ाहरा नहीं किया? ड्यू साहब की जो बिहेवियर है ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से है कि हम लोग तो आज भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। प्रेस क्लब था और द प्रेस कॉन्फ्रेंस कम दे बटाग्राम दे डी फीमेल खिलाफ दे अगर जमुंगा रूणा बबूगान बदले ने कड़ी दी आगे बल्कि रिलीव कड़ी दी और दी तकरीबन डेढ़ रोज हुई 20-25 रोज हुई सीधा चूंकि मुंह को मख के एहतजाज को खुआ मुंग तभी चेयर मुंग मुजाकिरत जारी थी नुता सुगे पूरे मुंग इंतजार हो गई नुमंग इंतजार कर दी सा पूरे को परू ना वो मंग तो इतला का चेयर था सो अखल प्रेस क्लब तो लड़ सही अवाद तक दीदी के खिलाफ सीधे स्टेटमेंट वर गई नुमंग आधा मुतालबा कहो द सिर्फ एजुकेशन ना शागा वो तो वही चेहरा दरकार रूल ने कैंसिल की और आगा बाहर पखलो खोल से टूल मानी पाती की चूंकि दा दागे द बिहेवियर पर वजह बने जमुन दबा बुगानो और दागे बमज के दा मसला रहा था او کدا سی اون شنو بیا نو کدا سی اون شنو بیا زمونږ احتجاج د صبح پوری او کېدې شي چې دا په پاکستان په لول باندې ونشي کدا سلسله جاری نو دا مونږ په ملګری سره باندې کول شو د دې دوه خلاف مونږ په ملګری سره باندې هم احتجاج کول شو زمونږ سره دا دښته اپشن شته بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم اردو به مو چا سره موبایل یې ټارچ ته د مخته ونه سي मोबाइल बटाग्राम से ये मुतालबा करते हैं कि उधर हमारा इबका की जो बरादरी है उसकी जो रिलीविंग और ट्रांसफ़र हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये आज हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं कि उसने जो रिलीविंग और जो ट्रांसफ़र किया है अगर उसने उसको वापस नहीं किया तो आइंदा हम सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर में पेशावर में एहतजाज करेंगे। यही हमारा मुतालबा है। हम तमाम प्लस ब्रदरी आज तमाम सूबे में हमारा एहतजाज है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उसने जुल्म किया है, जो भी किया है उसको वापस नहीं किया है, उसी वक़्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा।